कष्ट तो है, क्योंकि तत्काल श्रीहीन हो गया इंद्र। इंद्र ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ये बात यदि हम लोगों की समझ में आ जाए तो क्या कहना, हम लोगों का जीवन बन जाए। इंद्र ने कहा, को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीम त्रिविष्टप पते रपि ययाह मासुरम भावम नीतोज्य विबुधे स्वरः। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने ही को श्लोक है। कौन ऐसा पंडित बुद्धिमान विद्वान विवेकी पुरुष है जो धन पाने की इच्छा रखे, त्रैलोक्य के भी ऐश्वर्य को राज लक्ष्मी पाने की इच्छा कोई पंडित विद्वान विवेकी पुरुष नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, धन की वासना वाला मूर्ख ही है, महामूर्ख है, पंडित है ही नहीं। भले ही उसने न्याय व्याकरण वेदांत दर्शन और षड दर्शनाचार्य कर लिया हो और कोई डिग्री दुनिया की छोड़ी ना हो, पर ऐश्वर्य की कामना धन की कामना यदि उसके मन में है, भागवत जी का श्लोक है, वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। पंडितो बंध मोक्षवित, बंधन और मोक्ष को जानने वाले को पंडित कहते हैं। महर्षि पाणिनि का सूत्र है, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, इससे इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है, पंडा संजाता अस्य, पंडा जिसको उत्पन्न हो जाए उसको पंडित कहते हैं। पंडा माने क्या है, सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा, जिस बुद्धि में सत और असत का विवेक हो उसको पंडा कहते हैं, ऐसी बुद्धि जिसे प्राप्त हो जाए उसको पंडित कहते हैं, असत का त्याग कर दे सत को ग्रहण कर ले उसको पंडित कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तौनो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हो संतों ने भी अपनी वाणी में अलग अलग प्रकार से कहा, बोले धन के बिना तो गति ही नहीं है। आप कहते कौन ऐसा विद्वान बुद्धिमान पंडित पुरुष होगा जो इस त्रिभुवन के भी ऐश्वर्य को पाने के लिए लालायित होगा, कहते खोजने दूर जाने की जरूरत नहीं है। यया लक्ष्मिया संपत्तिया ऐश्वर्येण विबुधेश्वर सन्नपि अहम अद्य आसुर आसुरम भावम नीता। देवराज इंद्र होता हुआ भी मैं राक्षस हो गया, असुर भाव आ गया मुझ में, इस धन के दोष के कारण मेरे जैसे में आसुरी भाव आ गया। असुर कौन है, जो गुरु तत्व का तिरस्कार करें वे असुर हैं, और जो गुरु तत्व का समादर करें वे सुर हैं, देवता हैं। हम तो देवता नहीं, देवराज इंद्र हैं, पर देवराज इंद्र होकर भी हमने गुरु तत्व का तिरस्कार कर दिया।